बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चले जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे, आज मैं बनाने जा रही हूँ प्लेटर शवारमा। बहुत ही टेस्टी बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बच्चों का भी बहुत फेवरेट है। शवारमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद लिए हैं शवारमा ब्रेड, थोड़ी सी बंद गोभी है उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, एक प्याज था उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1 टेबल स्पून है मेरे पास लहसुन चॉप किया हुआ, थोड़ा सा मेरे पास है चिकन का कीमा। सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन का कीमा रेडी कर लेते हैं, बाकी के स्पाइसेस मैं साथ साथ ऐड करती जाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। सबसे पहले एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हमारा, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चॉप किया हुआ लहसुन, इसको हल्का सा सौते करना है हमने। लहसुन हमारा बहुत अच्छे तरीके से सौते हो चुके हैं, अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करती हूँ, चिकन का कीमा। ये देखिए जी, यहाँ पर जैसे ही कीमे का कलर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस, साथ ही मैं इसके स्पाइसेस ऐड कर दूंगी जिसमें मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अगर आप लोगों को ज्यादा स्पाइसी पसंद है शवरमा तो आप लोग ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, वन टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिली गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद मैंने कीमे को 2 मिनट तक पकाया है। अब इस स्टेज पे कीमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से डन हो चुका है, कुक हो चुका है, बहुत ही जूसी बना है। अब चलते हैं सॉस रेडी करने के लिए। शवारमे की बेस पे लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक सॉस रेडी करनी है, उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, उसके अंदर ऐड करूंगी 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। हमने इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है, अच्छे से मिक्स करूंगी मैं इसको। ये देखें जी, बहुत ही थिक सी हमारी सॉस बन गई है, ये हमने शवारमे की बेस पे अप्लाई करनी है। चलते हैं अब जी ब्रेड को टोस्ट करने के लिए। यहाँ पैन में मैं बस चंद कतरे ऑयल के शामिल करूंगी और ब्रेड को हमने टोस्ट करना है। हमने बस इसको हल्का हल्का सा गोल्डन कलर देना है, ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए जी, अब सबसे पहले इसकी बेस पे हमने सॉस जो बना के रखा था वो अप्लाई करते हैं, अच्छे से फैला लेंगे हर तरफ। जिन लोगों को ज्यादा स्पाइसी पसंद है वो ज्यादा ऐड कर सकते हैं, जिनको कम पसंद है वो बिल्कुल थोड़ी सी लगाकर इसको खा लें। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करूंगी। थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। अब चिली गार्लिक सॉस ऐड करूंगी। चिकन ऐड कर देंगे। अब सबसे लास्ट में इसके ऊपर मायनीज ऐड कर देंगे। ये देखें जी, प्लेटर शवारमा की फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही यमी है। इसी तरह आप साथ डिस्पोजेबल प्लेट में सलाद और चिकन ऐड करके इसको सर्व कर सकते हैं। एंजॉय करिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।